देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भिंड में जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले किराने की दुकान को सील किया गया और दुकान संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। दरअसल आज सुबह दुकान निर्धारित समय से पहले खुली होने पर पुलिस ने जब दुकान को बंद कराने का प्रयास किया तो दुकान मालिक और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की झड़प हो गई, जिसमें 3 आरक्षक के हाथ दुकानदार के शटर के नीचे दबने से चोटिल हो गए। इसके बाद SDM मोहम्मद इकबाल ने सक्रियता दिखाते हुए न केवल दुकान को सील किया बल्कि धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर संचालक के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई। बात ये हो गई कि यहाँ पे निकल रहे थे, दुकानों का ऑर्डर 10 बजे से था तो दुकान इनकी खुली हुई थी 10 बजे के पहले, तो अभी मतलब अब 10 बजे पहले ना 7 बजे खुली थी इनकी दुकान ना, तो अभी यहाँ पे इन पर छापा मारा, तो जैसे ही इनकी दुकान पर छापा मारा तो उन्होंने शटर बंदी करने की कोशिश की, तो हमने क्या शटर खोलने की कोशिश की तो ये शटर पर चढ़ गए तो हम लोगों के हाथ और पैर फंस गए। तो जब हमसे कहा कि भाई हमें छोड़ दो, निकलो यहाँ से, शटर ऊपर करो छोड़ो, तब भी इसने नहीं छोड़ा शटर। तो जब साहब के कहने पर उसने खोला तब हम लोगों ने हाथ निकाला तो मेरे हाथ में चोट आई, सर का भी हाथ दबा गया इनका भैया का, और उनके पैर भी दबा हुआ था, पैर उनका पैर दबा हुआ था, हम तीनों लोग ही शटर में फंसे हुए थे।